नमस्कार दोस्तों, आजकल आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना एक आम बात सी हो गई है। आंखों के काले घेरे से छुटकारा पाने के कुछ आसान से टिप्स। मेकअप और कंसीलर भले ही आंखों के काले घेरे को कुछ देर के लिए छिपा ले, लेकिन इस समस्या को जड़ से हल करने की जरूरत है। नियमित देखभाल से काले घेरों से छुटकारा पाया जा सकता है। पर्याप्त नींद न ले पाने के कारण आंखों के आसपास काले घेरे पड़ जाते हैं, इसलिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल यादव। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसे अपनाकर आप भी अपने आंखों के नीचे काले घेरे ठीक कर सकते हैं। अपने शरीर और त्वचा में नमी बनाए रखें। रोजाना खूब पानी पिए। इसकी शुरुआत 6 से 8 गिलास पानी पीकर कर सकते हैं, जिससे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। जंक फूड के बजाय स्वास्थ्य परक संतुलित आहार का सेवन करें। भरपूर मात्रा में मौसमी फल, सब्जियां और सलाद का सेवन करें। विटामिन सी युक्त खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, कीवी आदि का सेवन करें, जो आपकी आंखों के काले घेरे कम करने में काफी सहायक साबित हो सकते हैं। शराब का सेवन और धूम्रपान करना बंद कर दें। यह त्वचा के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। काले घेरों से बचने के लिए आंखों का मेकअप हटाने के बाद उस जगह पर बादाम तेल, विटामिन ई युक्त क्रीम या सीरम से मसाज करें। घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। जेनेटिक तौर पर या एलर्जी से भी काले घेरे हो सकते हैं। एलर्जी की जांच कराएं। स्किन लाइटनिंग क्रीम लगाएं। रेटिनॉइड कोलेजन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से रेटिनॉल क्रीम का इस्तेमाल करने से काले घेरे कम हो सकते हैं। खीरा, टमाटर, आलू के इस्तेमाल से भी काले घेरे से छुटकारा पाया जा सकता है। एक छोटा चम्मच इसका रस निकाल कर आंखों के पास लगा लें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इसे रोजाना दिन में कम से कम 2 बार लगाएं। कोल्ड टी बैग से भी काले घेरों से छुटकारा पाया जा सकता है। पानी में 1 ग्रीन टी बैग डुबा दें और फिर कुछ समय के लिए इसे फ्रिज में रख दें और अब इसे आंखों के ऊपर रखें। अगर कोई उपाय आपके लिए कारगर नहीं साबित हो रहा है तो फिर लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह आंखों के आसपास के काले घेरों झुर्रियों को कम करता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।